जी नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजनी संडिल्य। जलालपुर के हरपुर शिवालय में आयोजित मातृ शक्ति सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे निर्वातमान एमएलसी ई सचितानंद राय ने महिलाओं के सम्मान की अनेकों बातें कही। इस दौरान नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री राय ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है और जिस प्रकार से पंचायती चुनाव में ज़्यादातर महिलाएं चुनाव जीतकर आई है, ठीक उसी प्रकार से महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार रहेगा। अब सभी बैठकों एवं कार्यक्रमों में महिला प्रतिनिधियों की जगह उनके पति, पिता या पुत्र नहीं बल्कि महिला जनप्रतिनिधि खुद उपस्थित रहेंगी और अपने दायित्वों को भी वो खुद निर्वहन करेंगी, जिससे समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा और महिला सशक्त होंगी। इस दौरान श्री राय ने नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया। संदेश है ये समाज को, आप तो सुन ही रहे हैं क्या चर्चा हुई अभी। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जो अधिकार सरकार ने दिया है आदि आबादी को, जो अधिकार दिया है पंचायती राज व्यवस्था में, उसको इस बार सुनिश्चित करने की तैयारी होगी। सरकार ने अधिकार दे दिया, परिवारों ने उस अधिकार में अतिक्रमण किया कर रखा था। अब यह है कि परिवार के लोग मातृशक्ति के सहयोगी बने और उनको भी आगे बढ़ने का अवसर दें। ऐसा नहीं कि उनको दिया हुआ अधिकार जो है वो अतिक्रमण करके अपने पास ही रखे रहे। 20 वर्षों से तो रखे हैं, अब धीरे धीरे कोशिश ये है कि उनके हाथ से निकले और जाकर जिसको चुना गया है, जिसको जिस प्रतिनिधि को चुना गया है, जिसको लड़ने के लिए सरकार ने अधिकार दिया है और जनता ने चुना है, उसके माध्यम से उन कार्यों का निष्पादन हो, यही सरकार की मंशा है और उसी दिशा में प्रयास है। आप क्या कर रहे हैं सर? मैं बस यही बताने के लिए इनके जो प्रचित हुआ हूँ, सम्मानित करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, बताने के लिए, गुहार लगाने के लिए, निवड़ा करने के लिए कि सरकार की जो मंशा उसमें सहयोग करें। सर, वार्ड पार्षदों और पंचायत प्रतिनिधियों की बड़ी मांग थी वेतन और पेंशन। आपने देखा होगा लिखा हुआ है, पंचायतों को मिला उनका अधिकार, वेतन पेंशन मिले अब की बात। पंचायती राज निकायों को मिला उनका अधिकार और पंचायत प्रतिनिधियों को भी वेतन पेंशन मिले अब की बात। ये इस बार का मेरा वही एजेंडा ही है। पिछली बार मैंने कहा था भीख नहीं अधिकार चाहिए, गाँव की सरकार चाहिए। अधिकार मिल गया और गाँव की सरकार भी मिल रहा है। अब जो है वेतन पेंशन की लड़ाई होगी, लेकिन अभी नहीं। पहले हमने जो गाँव की सरकार की परिकल्पना को पूरा करने का ठान रखा है, अगले 2-3 साल हमारा फोकस उसी पर रहेगा। एक बार जब दिन रात काम करने लगेंगे तो निश्चित रूप से वेतन पेंशन के बिना तो इनके साथ अन्याय हो जाएगा ना। तो कहा कि तर्क लेकर मैं सरकार के बीच जाऊँगा और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार हम वेतन पेंशन को बहाल करने के बाद ही वोट मांगने आएंगे।